सेगांव में नगर के समाज सेवी और राठौड़ समाज अध्यक्ष विष्णु राठौड़ का अपनी बेटी की विदाई के बाद निधन हो गया। वह कई दिनों से बीमार थे। राठौड़ ने बड़े अरमानों के साथ बड़वाह निवासी लड़के के साथ अपनी लाडली पुत्री शिवानी का विवाह तय किया था और 30 नवंबर को विवाह धूमधाम से होना था, जिसके निमंत्रण पत्र भी बढ़ चुके थे। विवाह की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी। 26 नवंबर को अचानक विष्णु राठौड़ की तबीयत बिगड़ने लगी, जिस पर परिवार के लोगों ने ताबड़तोड़ लड़के और उसके परिवार को बुलाकर कल ही 26 नवंबर को सुबह महाराजा गायत्री मंदिर खरगोन में बेटी का विवाह संपन्न कराया। इस दौरान राठौड़ खरगोन अस्पताल में भर्ती थे। विवाह के बाद दामाद बेटी आशीर्वाद लेने के लिए अस्पताल पहुंचे और राठौड़ ने दोनों को आशीर्वाद दिया। इसके बाद शाम को विष्णु राठौड़ ने दुनिया से विदाई ले ली। जिसने भी इस मार्मिक घटना को सुना वह अपने आंसू नहीं रोक पाया। उनका अंतिम संस्कार नावड़ा तवड़ी घाट मल्लेश्वर में किया गया। सेगांव से संजय जायसवाल की रिपोर्ट। राठौड़ समाज में आज क्या दुखद घटना घट गई है? विष्णु प्रसाद जी राठौड़ जो यहाँ पर शासकीय बालक विद्यालय में उच्च श्रेणी शिक्षक थे, कल उनका निधन हो गया। चूँकि वो हमेशा सामाजिक कार्यों और धार्मिक कार्यों में हमेशा अग्रणी रहते थे और समाज के वर्तमान में वो अध्यक्ष भी थे। पिछले कुछ दिनों से वो बीमारी से ग्रस्त थे और उनकी पुत्री जिनका 30 तारीख को विवाह होना तय हुआ था, उनकी इच्छा थी कि उनके सामने उनकी बालिका का विवाह संपन्न हो जाए। पर 2-3 रोज पहले उनका स्वास्थ्य एकदम खराब हुआ और उन्हें ऐसा लगा कि शायद मैं नहीं रह पाऊँगा 30 तारीख तक। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ विचार विमर्श कर तुरंत निर्णय लिया कि विवाह आज ही 26 तारीख को सुबह संपन्न करा दिया जाए उनके रहते। और सुबह उनका बच्ची का विवाह संपन्न हुआ। अस्पताल में जाकर उन्होंने बच्ची को और दामाद को आशीर्वाद दिया और बच्ची को विदा करने के बाद घंटे दो घंटे के बाद उनका निधन हो गया। क्योंकि ये बहुत ही मार्मिक घटना है, इससे समाज में और परिवार में एक दुख की लहर है और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को गांव में उनकी कमी महसूस हम सभी लोग करेंगे। क्या नाम लिखता? संतोष राठौड़, सहगांव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।